नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म मिशन मंगल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी आउटस्टैंडिंग कमाई कर रही है और कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस के साथ अक्षय कुमार सर की मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी की भी एक काफी बड़ी अपडेट बताने वाले हैं, जो कि हम इस वीडियो में आपको अंत में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार सर की फिल्म मिशन मंगल, जिसे कि रिलीज किया गया था 15 अगस्त को, बताने चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 3100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर काफी आउटस्टैंडिंग कमाई की थी और कमाए थे 29 करोड़ 16 लाख। बता रहे दोस्तों आपको कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार सर की कैरियर की अभी तक की हाईएस्ट ओपनर फिल्म साबित हुई थी। बात करें अगर इस फिल्म के हम लोग सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो बता रहे चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीकेंड में काफी आउटस्टैंडिंग कमाई की थी और लगभग 98 करोड़ रुपए की कमाई इस फिल्म ने अपने सिर्फ शुरुआती 4 दिनों में ही कर ली थी। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के फर्स्ट वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने वीकडेज में भी काफी अच्छी कमाई की और ऑडियंस की तरफ से मिले हुए काफी अच्छे रिव्यूज के बाद इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 134 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। बता दें चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को इंडिया में काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं अक्षय कुमार और विद्या बालन के काम को इस फिल्म में काफी पसंद किया जा रहा है। इसी कारण से दोस्तों, ये फिल्म अपने सेकेंड वीक में भी बॉक्स ऑफिस पर काफी आउटस्टैंडिंग कमाई कर रही है और कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को अपने सेकेंड वीकेंड में भी लगभग 2500 स्क्रीन पर लगाया गया है। और दोस्तों, इस फिल्म ने अपने 9वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी आउटस्टैंडिंग कमाई की और कमाई 7 करोड़ 94 लाख रुपए। 10वें दिन भी दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी और कमाए थे लगभग 13.5 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के हम लोग 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने अपने 11वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी आउटस्टैंडिंग कमाई की है। और इस फिल्म के जो 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस रहे हैं वो रहे हैं लगभग 15 करोड़ 30 लाख रुपए के। इसी के साथ दोस्तों, ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 11 दिनों में लगभग 170 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इसी कारण से दोस्तों, इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक में भी काफी शानदार कमाई की है और आज इस फिल्म की जो 12वें दिन की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो रही है लगभग 12 से 15% की। यानी कि दोस्तों, आज ये फिल्म अपने सेकंड वीकडेज में भी काफी शानदार होल्ड किए हुए है और आज अपने 12वें दिन ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है लगभग 6 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का 12 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया नेट पर हो चुका होगा 176 करोड़ रुपए का। ओवरसीज में दोस्तों इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है और ओवरसीज से इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो हो चुका है लगभग 48 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, ऑल इंडिया ग्रॉस पर ये फिल्म अभी तक कमा चुकी है लगभग 198 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है लगभग 246 करोड़ रुपए का। और मात्र 32 करोड़ के बजट में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई है। बता रहे चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जगन शक्ति ने। वहीं इस फिल्म में आपको सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के साथ विद्या बालन, तापसी पन्नू, शर्मन जोशी और सोनाक्षी सिन्हा नजर आई है। बात करें दोस्तों अगर अक्षय कुमार सर की ही अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी के बारे में, तो बताते चले दोस्तों आपको कि सूर्यवंशी को पहले ईद 2020 में रिलीज किया जाना था, लेकिन सलमान खान के रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों सूर्यवंशी को 27 मार्च को प्रीपोन कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, कल ही सोशल मीडिया में सुपरस्टार सलमान खान ने खुद अपनी फिल्म इंशाअल्लाह की जो रिलीज डेट है उसे पोस्टपोन करने की न्यूज दी है। यानी कि दोस्तों, अब सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की ही फिल्म सूर्यवंशी 2020 में आपको ईद को देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुपरस्टार अक्षय कुमार सर जब मिशन मंगल जैसी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के आंकड़े को पार करा सकते हैं, तो मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म सूर्यवंशी को बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई करा सकते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।